हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस सैलड रेसिपी। इसमें मैं माइक्रोग्रीन साथ ही सैलड लीव्स यूज करूंगी जो मैंने खुद से घर पर ग्रो की हैं। यहाँ पर मैंने कुछ नट्स लिए हैं, फिग लिए हैं, फ्लिक्स सीड लिया है, कैशू, आलमंड और रेजन लिए हैं। फ्रूट में मैंने गुआवा और एप्पल लिया है, साथ ही एक कैरेट लिया है, कुछ माइक्रोग्रीन्स लिए हैं, सैलड लीव्स ली हैं, ब्लैक पेपर इसमें यूज करेंगे, साथ ही ब्लैक सॉल्ट और ऑलिव ऑयल। ये सारी चीजों को आप चॉप कर सकते हैं या फिर ग्रेट कर सकते हैं। मैंने इस फ्रूट्स को चॉप किया है, साथ ही कैरेट को मैंने ग्रेट किया है, साथ में मैंने कुछ मूंग स्प्राउट भी इसमें ऐड किए हैं। और ये सारी चीजों को इस तरह मैंने अरेंज कर लिया है। इसमें ड्रेसिंग के लिए मैं ऑलिव ऑयल डालूंगी। यहाँ पर मैं 2 चम्मच ऑलिव ऑयल इसमें डाल रही हूँ, साथ ही ब्लैक पेपर और ब्लैक सॉल्ट यूज कर रही हूँ। आप इसमें खटास के लिए कोई सिट्रस फूड ऐड कर सकते हैं या फिर लेमन जूस या एप्पल साइडर विनेगर, बट यहाँ पर थोड़ा सा कोल्ड है अभी, तो इसलिए मैं ये दोनों चीजों को अवॉइड कर रही हूँ। आप इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने फिग लिया है, साथ में रेजिन लिया है, तो वो भी काफी मिठास इसमें देंगे सैलड में, तो मैं हनी भी इसमें यूज नहीं कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आप हनी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। हल्का सा तीखा ये रहे तो इसमें हल्के से चिली फ्लेक्स से टॉप कर रही हूँ। इस सैलड में आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो चीज ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। साथ ही कुछ चीजें जो आपको नहीं पसंद या कोई फ्रूट आप उसकी जगह चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और इस तरह ये काफी फिलिंग सैलड रेडी है, काफी न्यूट्रिशियस है और इसमें नट्स है तो ये काफी एनर्जी देते हैं। आप लंच में अगर इसे लेते हैं तो आप पूरे दिन हेल्दी और एनर्जेटिक फील करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ क्लिप्स शेयर की हैं जो मैंने माइक्रोग्रीन घर पर उगाए थे, उनकी डे बाय डे की प्रोग्रेस में आप देख सकते हैं कितना अच्छा इनको देख के लगता है। और ये अपने सामने ग्रो होते हैं तो ये ऑर्गेनिक भी हैं, इनमें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। और इसे अपनी डाइट में शामिल करना मतलब कि आप अपने न्यूट्रिशन को डबल और ट्रिपल कर रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। Thank you. Thanks for watching.